السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आप हमारे बराबर में जो देख रहे हैं वो जनाब हाफिज रफीकुर रहमान साहब हैं, हमारे ज़्यादा ही करीबी रफीक़े महतरम हैं। माशाअल्लाह इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मैं असर की नमाज़ पढ़ने जा रहा था और मैं हाफिज जी को याद ही कर रहा था, वैसे ही मैंने देखा जस्ट पहुंच गए और मुलाकात भी हुई। और असर की नमाज़ के बाद मैं बोला चलिए भाई हाफिज जी हमारे मदरसा को देख लीजिए और थोड़ा अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ गा दीजिए और सामने आपकी आवाज़ को माशाल्लाह पसंद करते हैं। तो लीजिए मैं जनाब हाफिज रफीकुर रहमान साहब को दावत देता हूँ कि वो चंद अशआर गुनगुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना आपका, आपकी मोहब्बत है तो ज़्यादा खींच लाई हमको। पाक का जो मिसरा पेश करता हूँ हाफिज कुरान के हवाले से। कुरान पाक के जब 30 पारे होते हैं असगर, पाक के जब 30 पारे होते हैं अजबर, कुरान पाक के जब 30 पारे होते हैं अजबर, कहीं जाके कोई तब हाफिज़े कुरान होता है, कहीं जा के कोई तब हाफिज़े कुरान होता है। किसी हाफिज़े को मैंने भूख से मरते नहीं देखा, किसी हाफिज़े को मैंने भूख से मरते नहीं देखा, भले ही देखने में बे सरो सामान होते हैं, भले ही देखने में बे सरो सामान होते हैं। के जब 30 पारे होते हैं अजबर, कहीं जाके कोई तब हाफिज़े कुरान होता है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ भाई आपका।